हेलो एवरीवन। तो फाइनली नहा के हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे लोग। बुद्धा जो स्तूपा जो है वहाँ पे जाएंगे लोग, और रोड बहुत हैवी होने वाला है। बाकी सब देख लीजिए, बाहर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बारिश है। गुम्बा 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 बुद्धा गुम्बा। और नहा के रेडी हो चुके हैं, ये रहा सीन। बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं वहां पे। हिमालय ना थोड़ा ये वाला हट जाता ना, तो निकाल लेते। ये क्यों नहीं जरा। हेलो हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं लोग डेविस फॉल, गुप्तेश्वर केव और बुद्धा गुम घूमने के लिए। और ये रहा पोखरा साइड का रोड का नज़ारा, जो कि बारिश से भरा पड़ा है। पता नहीं आज क्यों बारिश हो रहा है, शायद आज यहाँ पे रुके इसलिए इतना बारिश हो रहा है। सोचे नहीं थे कि आज के दिन भी इतना बारिश होगा, फिर भी कल निकल जाएंगे। और ये देखिए पोखरा लेक साइड का साइड में व्यू और बगल में रोड, बहुत सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। ये पोखरा का व्यू साथ में रोड। एक लड़की उसमें डूब के डेथ कर गई, डेविस नाम की, उसके पिता ने उसी के नाम से डेविस फॉल नाम रख के इसको प्रेरित किया है। वो चला गया सीधा क्या? वो साइड में चला गया। दाई दो टिकट देनो। अरे भाई ये पड़े कल है। दो टिकट। चलें। फाइनली फाइनली पहुंच गया लोग डेविस फॉल। डेविस फॉल किधर है डेविस फॉल? यहाँ पे बरसाती पहन के फोटो खिंचवाया जा रहा है। हम भी बरसाती पहने हुए हैं, वैसे ही फोटो खिंचवाएंगे। अरे वाह भयंकर था। अरे वाह नीचे जा रहे हैं लोग पिकनिक के लिए। और पानी का बहाव बहुत तेज है। सब कुछ आटन क्या बोलते हैं ये बन के जा रहे हैं। और कहा जाता है गुफा में जो पानी इतना जाता है, पता नहीं चलता है कि जा कहाँ रहा है। ओह माय गॉड, अब निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा, उतना घूमने का टाइम नहीं है। थोड़ा थोड़ा चारों तरफ घूम लेते हैं। और ये रहा बाहर का मार्केट। ये क्या है? गुप्तेश्वर के महादेव मंदिर में एक ट्रेडिशनल टाइप का पूजा होता है। आगे नीचे गुफा और इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कल ही भूकंप आया था। कहीं भूकंप आ गया तो फाइनली फाइनली गुप्तेश्वर के घूमने के बाद हम निकलेंगे लोग बुद्ध स्तूपा। देवलेस टायर होने के बावजूद भी कांटी लग गया। तो अब यहाँ से चलते हैं, पंचर बन चुका है। और यहाँ से निकलेंगे सीधे ऊपर पहाड़ पे जाएंगे। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है बस। इधर का नज़ारा सीन आप चेक कर सकते हैं। बारिश बारिश है और नीचे दिखली से घर बना हुआ है और पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। और रहा बाइक का, तो पंचर बन चुका है, मस्त चल रहा है। और ये सीन चेक करेगा इस आपको देख के तो लग ही गया होगा कितना बारिश हो रहा है। चारों तरफ पानी पानी और ऊपर से पहाड़ पे चढ़ाव करना कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी है हिम्मत तो कर ही लेंगे।
अब रोड धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहा है क्योंकि बारिश में पूरा गीला रोड हो चुका है और पतला सा रोड है, साइड में देखिए तो खाई है और चलाने में भी डर लग रहा है और कैसे नैसे भी चला के वहाँ तक पहुँच जाए, फिर वहाँ पे गाड़ी पार्क करके निकल जाना है। और साइड में देख सकते हैं गाइस इतना पतला सा रोड है। फाइनली गाइस यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करेंगे लोग, मतलब पैदल चल के ट्रैकिंग वाले भी जाए वहाँ तक, तो बाइक आना है, यहाँ से सीढ़ी उड़ी है तो नहीं आएगा। और ये रहा पहाड़ पे बहुत बढ़िया सा होटल, द बेस्ट व्यू कॉम्स अवतर द हार्डेस्ट क्लाइम। ये बेटर है कि अवतर है नेपाली में लिखा है। और ये हो रहा ब्रो, आओ देखा नहीं मैंने, क्या मैंने देखा नहीं कैमरे में, कैमरे मतलब हेलमेट कैमरा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा और कैसा रहा यहाँ का? बढ़िया, लेकिन बारिश में हालत खराब है यार, इसी वजह घूमना भी जरूरी है। बाहर मौका नहीं मिलता है, मेन चीज है गाड़ी का भंसार कल तक है, कल कैसे भी पहुंच जाना, एक दिन लग जाएगा जाने में। सुबह में यहाँ से निकलेंगे तो रात तक पहुँचेंगे। रास्ता सही होगा तो एक दिन लगेगा। रास्ता सही नहीं है भाई, तुम्हें कह रहा मुंगली तक रास्ता बहुत खराब है, यही है ना खराब है, मगर घूमने में फील अच्छा आ जाता है। यही है ना जी। धूप नहीं है, बढ़िया है, ठंडा मौसम है। ये तो कहो मैं लटरम महेश्वर टेम्पल जो है ना, अरे अभी वहां गए थे ना, लुम्बिनी। लुम्बिनी भाई थक गया हम, सबसे बड़ी खराब चीज क्या, एक ही मंदिर को बार बार दिखा रहा। सही बात है, मैंने उनसे पूछा वहां पर चार मंदिर देखे, फिर मैंने पूछा आगे भी बुद्ध है, कह रहे हमने कहा जाना तो अलग अलग रखते कहाँ है। बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, लोग बहुत ज्यादा, और बादल देखे गाइस, यू नो देख के लग रहा है ना बारिश क्यों इतना हो रहा है नेपाल में। और भी तो फाइनली घूमने के बाद हम निकल रहे हैं लोग, जो कि बुद्ध भगवान जी का टेंपल दर्शन कर चुके हैं, और यहाँ से जाएंगे लोग सीधे नीचे और अपने रास्ते बाइक जहाँ पे खड़ा वहाँ पे, और वहाँ से बाइक लेके सीधे रूम पे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाइज यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलने का टाइम देख लीजिए, रोड कितना मस्त है, कितना पतला सा, यहाँ पे चलाइएगा भाई एकदम मज़ा आएगा, लेकिन हम तो चला रहे हैं बहुत डर के, आप नहीं आइएगा बारिश के टाइम में, क्योंकि बारिश के टाइम में यहाँ पे आने से खतरनाक खतरा हो सकता है, और इतना खतरनाक रोड है आपको तो व्यू में चेक हो ही गया। बाकी यहाँ से निकल के रूम पे जाएंगे, बारिश में तो भींग चुके हैं, उतना अच्छा से मज़ा से घूम नहीं पाए, और इसी के कारण नहीं हो पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। और ये देखो भाई, ये देखो, ये तो इसी के साथ गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।